आप देख रहे हैं द न्यू देव की नगरी में सपो शास्त्री और आज का मुख्य समाचार। मैं दो दिन अपडेट लेने के बाद आज मैं बोल रहा हूं। उत्तरकाशी का जो टर्मिनल है, जो सुरंग बन रहे थे, उसमें जो 40 मजदूर हैं, उसमें ज्यादा करके बिहार और झारखंड से हैं और केरला के तरफ के हैं, बाकी यूपी के हैं। टोटल 40 व्यक्ति बताए जा रहे हैं कि फंसे हुए हैं, उनके बचाव और राहत कार्य जारी है। सीएम अपडेट लेते रह रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहां के डीजीपी और बाकी सुरक्षा के जो कमांडेंट हैं मिश्रा जी, वो भोजपुरी में बात कर रहे हैं कि भैया हम तोरी के बचाए, कुछ हुई तोरी के हम बचाए। अब देखते हैं कब तक बचा रहे हैं लोग। पाइप के द्वारा जो भी है भोजन पानी जा रहा है, लेकिन हमारी सांसें टंग गई हैं कि 40 बंदे कैसे उस मौत के कुआं में दबे हुए हैं और उनकी किस तरह का मन में होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जरा सोचिए कि हमारी मौत आ चुकी है, मैं मरने वाला हूं, उस समय आप क्या करेंगे, किसको दुआ करेंगे, क्या मांगेंगे आप? एक बहुत सोचने वाली बात है। उस घर में दिवाली क्या मनी होगी जिस घर में इस तरह का घटनाएं हो गई। पिछले 24 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया है कि हाँ निकाले गए, ये हुआ वो हुआ। केवल पाइप्स के द्वारा जो भी अभी तक संभावना दी जा रही है कि हाँ आपको निकाला जाएगा। कई लोग ये बता रहे हैं कि बहुत ढीला कार्य हो रहा है। अब देखते हो उत्तराखंड सरकार क्या करती है, बचाती है या मौत के कुएं में डाल देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहे दानिश।